ये सैमसंग कंपनी का टॉप लोड मशीन है, 8 किलोवाट में इको बबल डिजिटल इन्वर्टर की मशीन है। इसका हम डेमो देने चाहते हैं, 5-स्टार रेटिंग मशीन है। सारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो गया है। ये इनलेट का पाइप है जो पानी लेता है। पीछे कनेक्ट है, ये आपका आउटलेट का है जो गंदा पानी निकालने का काम करता है। देखिए मशीन यहाँ से ऑन करना है, ठीक? ठीक। ये ऑन हो गया। नल हमेशा ऑन करके रखना है जब आपका काम हो तो, ठीक? जब काम हो तभी ना ऑन करना। वैसे भी ऑन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं, ये ऑटोमेटिक है, ठीक? ये आपका साइकिल प्रोग्राम है, वॉशिंग साइकिल, ठीक? इको बबल डिजिटल इन्वर्टर बैटरी मशीन है, मतलब इन्वर्टर पे भी आप यूज कर सकते हैं। इनके स्लाइड उठ चला गया तो इन्वर्टर लगा के आप थोड़ा अधूरा काम पूरा कर सकते हैं, ठीक? ये आपका सारा प्रोग्राम है 1 से लेके 8 तक, ठीक? ये सारा प्रोग्राम यहाँ से आपका ऑपरेट होगा। 1 आया यानी कि नॉर्मल, 2 आया यानी कि क्वास, 3 आया डेलीकेट्स, 4 आया बेडिंग, 5 पे जीन्स, 6 पे एनर्जी सेविंग, 7 पे रिन और स्पिन, 8 पे इको टब क्लीन। आपको 1 पे नॉर्मल कपड़ा जो डेली घर में कपड़ा आपका यूज़ हो रहा है वो 1 नंबर नॉर्मल पे धोना है। कितना? 8 किलो का वजन है तो कम से कम आप 5, 5.5, 6.5 किलो लास्ट 7 किलो तक धो सकते हैं। एकदम ओवरलोड में मशीन को यूज़ नहीं करना है, ठीक है? इनके बहुत इमरजेंसी है तो धो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कम डाल के धोने की, लाइफ ज़्यादा रहेगा। आपका 1 नंबर पे हो गया। 2 नंबर क्विक वॉश हो गया, जैसे आप जल्दी में 2-4-5 कपड़ा धो के जाना है इमरजेंसी में तो क्विक वॉश में कम समय में धो के आपको दे देगा। ये डेली किट्स 3 नंबर, इसमें हल्का कपड़ा, नाजुक कपड़ा जो होगा, साड़ी उड़ी हो गया, कॉटन का एकदम हल्का, वो 3 नंबर में धोना है। 4 नंबर बेडिंग, कंबल, चद्दर, बेडशीट, पर्दा वर्दा, ये सब धोना है। बेडशीट कंबल ज़्यादा बड़ा नहीं डालना है, इसमें जो आ जाए एक दो वो, हाँ। और पर्दा डालना है तो रिंग निकाल के, ठीक? 5 नंबर सिर्फ जीन्स है या फिर डेनिम वोनिम का शर्ट उल्ट है तो 5 नंबर जीन्स में, सिर्फ जीन्स है तो जीन्स उस पर 5 नंबर पे धोइएगा। ये आपका एनर्जी सेविंग, इस पर वोल्टेज का कम लोड होता है, मतलब वोल्टेज कम खाता है पर टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक? कोई भी कपड़ा, हाँ, वो नॉर्मल के थ्रू। जैसे आप आ गया 7 नंबर रिन और स्पिन, बाहर से कपड़ा धुला हुआ है सिर्फ खंगालने और सुखाने के लिए, ठीक? 7 नंबर ये 8 नंबर हो गया। इको टब क्लीन, 30 से 25 बार कपड़ा धोने के बाद यानी महीने में 1 बार आपको इस पे ला के 8 नंबर पे ला के मशीन धोने का लिक्विड आता है, वो लिक्विड डाल के आपको ये इको टब पे डाल के छोड़ देना, कपड़ा नहीं डालना है, मशीन की धुलाई, हाँ, मशीन धुलने के लिए, ठीक है? किसी भी प्रोग्राम पे आपको 1 नंबर धोना है या 2 नंबर पे जाके करना है तो कुछ भी कर, इसमें कोई भी नंबर पे जाके सिर्फ स्टार्ट दबाना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना है। किसी भी नंबर पे जाके, हाँ, ये किसी, हाँ, स्टार्ट दबा देना, हाँ। ये सारा काम ऑटोमेटिक करेगा, पानी ऑटोमेटिक लेगा, हाँ। गंदा पानी ऑटोमेटिक निकाल देगा, जितनी बार जरूरत होगा पानी लेगा, निकालेगा, खंगालेगा, धोएगा, सुखाएगा, सारा काम ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है? अब इधर जैसे आपको सिर्फ वॉश करना है, ठीक? सिर्फ मतलब कपड़ा धोना है तो वॉश पे आके स्टार्ट दबा देंगे तो सिर्फ वॉश करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। इसमें आप वाटर लेवल सेट कर सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं। सिर्फ रिन करना है, इसमें भी आप टाइम और वाटर लेवल सेट कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ खंगालने के लिए। स्पिन पे जाके सिर्फ सुखाना है तो इसमें आप सिर्फ टाइम सेट कर सकते हैं, वाटर लेवल नहीं, ठीक? 2 वॉश और रिन, 2 पे चलेगा तो सिर्फ 2 काम करेगा, ये रिन और स्पिन पे चल रहा है तो यही 2 काम करेगा, 3 पे चलेगा तो 3 काम करेगा। यहाँ से आप पर्सनल यूज कर सकती हैं, पर्सनली यूज कर सकती हैं यहाँ से, यहाँ से बाकी ऑटोमेटिक, हाँ, यहाँ से कोई भी प्रोग्राम यूज करेंगे तो ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक?